नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सब? पिछले क्लास में जो है हम पढ़े थे फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एंड थर्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हम तो नेक्स्ट जो मेरा चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दैट इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। न्यू पार्टनर आर एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। न्यू पार्टनर जो एडमिट होता है वो अपने बेनिफिट के लिए क्या होता है एडमिट होता है, फ्यूचर बेनिफिट के लिए। न्यू पार्टनर इज एडमिटेड आइदर फॉर इंक्रीजिंग पार्टनरशिप कैपिटल और फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द बॉन्ड। न्यू पार्टनर के एडमिशन से जो है फॉर्म्स का जो कैपिटल होता है टोटल कैपिटल वो इंक्रीज करता है, और इससे जो बिजनेस का मैनेजमेंट होता है जो दो या दो से अधिक व्यक्ति के पास होता है उसको स्ट्रेंथ मिलता है, मजबूती मिलता है। और अगर पार्टनर जो है एक्टिव होगा तो काम भी करेगा, तो इससे क्या होगा फर्म की स्ट्रेंथ बढ़ता है। इट इज डिजरेबल टू ब्रिंग एप्रिसिएशन और रिडक्शन द वैल्यू ऑफ असेट्स इन टू अकाउंट्स एंड डेट ऑफ एडमिशन। जब कोई फॉर्म्स क्या होता है, जब कोई पार्टनर्स किसी फॉर्म में क्या करता है एडमिशन लेता है न्यू पार्टनर, तो जो फॉर्म का अकाउंट होता है वो इफेक्टेड हो जाता है, अकाउंट्स इफेक्टेड हो जाता है, और असेट्स एप्रिसिएट भी हो सकता है, डेप्रिसिएट भी हो सकता है। तो फॉर्म का अकाउंट जो है इफेक्टेड हो जाता है, और उसी इफेक्ट को, जो फॉर्म्स का अकाउंट इफेक्ट होता है उसी को हम क्या करते हैं, एक सफल अकाउंटेंट बनकर उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। द पर्पस ऑफ सच एंट्रीज मेक अपडेट बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। और इस सिचुएशन में क्या होता है, और जब कोई पार्टनर एडमिट लेता है फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो इस सिचुएशन में भी बैलेंस शीट का जो बैलेंस शीट होता है उसको अपडेट किया जाता है 31 मार्च के दिन या 31 दिसंबर के दिन हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। ऑल्सो ऑल प्रॉफिट विच हैव एक्यूर्ड द नॉट एट इन टू द अकाउंट्स सिमिलरली ऑल लॉसेज हैव बीन अकर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड एंड शुड नाउ बी ब्रॉट इन टू द अकाउंट्स। बहुत सारे ऐसे लॉसेज होते हैं असेट्स, जैसे असेट्स का रिवैल्यूएशन जब किया जाता है, असेट्स का वैल्यूएशन किया जाता है, जब कोई पार्टनर्स न्यू पार्टनर फॉर्म में एडमिशन लेता है तो असेट्स का वैल्यूएशन किया जाता है। असेट्स का जब वैल्यूएशन होता है तो बहुत सारे असेट्स क्या होते हैं उसका वैल्यू डिक्रीज करता है, और बहुत सारे असेट्स का वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इस सिचुएशन में हम असेट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करने के लिए जो उसमें इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट होता है असेट्स और लाइबिलिटी में, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम एक अकाउंट्स बनाते हैं जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट कहा जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कहते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी कहा जाता है। यह नेचर में नॉमिनल अकाउंट है, आप जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट 11th में पढ़ाए थे हमने, नॉमिनल्स, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल, रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का डेफिनेशन है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जब कोई असेट्स डिक्रीज करता है तो असेट्स डिक्रीज वो क्या है, लॉस है। अगर जस्ट लाइक देखिए, मान के चलिए कि ए बी दो पार्टनर है और एक सी जो है न्यू पार्टनर को हम फॉर्म में एडमिट दे रहे हैं,
और जब एडमिशन होता है तो न्यू पार्टनर से फ्यूचर न्यू पार्टनर से फॉर्म्स में फ्यूचर बेनिफिट अर्न करने के लिए उससे गुडविल और कैपिटल कैश के फॉर्म में लेते हैं या असेट्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो जब कभी असेट्स क्या होता है, डिक्रीज होता है, जब रिवैल्यूएशन किया जाता है डिक्रीज होता है तो वो लॉस होता है और लॉस को नॉमिनल में डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। और जब कोई असेट्स इंक्रीज किया जाता है, इंक्रीज करता है, जैसे मान के चलिए कि मेरे पास फर्नीचर है जो 4000 का है, वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड है, बैलेंस शीट का असेट साइड में 4000, और कोई न्यू पार्टनर एडमिट करता है तो फर्नीचर 10% से उसका वैल्यू रिड्यूस हो जाता है। अकाउंटेंट जो है उसको शो किया कि 10% से फर्नीचर का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो 10% से डिक्रीज हो गया और फर्नीचर 4000 का है, 10% से डिक्रीज हो गया तो वो फर्नीचर जो है 400 से डेप्रिसिएट मतलब डिक्रीज कर गया, 4000 का 10%। तो अब मेरे पास जो फर्नीचर है वो 3600 का बचेगा। तो जो फर्नीचर का पहले का जो वैल्यू था वो 4000 का था और जब एडमिशन हुआ तो फर्नीचर का वैल्यूएशन 3600 का, तो 3600 का हुआ, जो 4000 की जो डेफिशिएंसी आया, रिडक्शन आया, दैट इज डेप्रिसिएशन, वो एक तरह का लॉस है, एक लॉस है, और लॉस है तो लॉस नॉमिनल अकाउंट लॉस। तो रिवैल्यूएशन में उसे डेबिट साइड में क्या करते हैं, शो करते हैं। एक मान के चलिए एक मेरे पास असेट्स है लैंड एंड बिल्डिंग जो आपको 50,000 का है, पहले से बैलेंस शीट में रिकॉर्ड है 50,000 का। अगर कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में जैसे सी न्यू पार्टनर है एडमिशन लेता है तब हम लैंड एंड बिल्डिंग का जो है क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। अगर लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज करेगा तो डेबिट में शो करेंगे, अगर इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड में शो करेंगे। क्योंकि जब फिक्स असेट्स इंक्रीज करता है तो इस सिचुएशन में गेन होता है और गेन को क्रेडिट करते थे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन नॉमिनल अकाउंट का डेफिनेशन बताता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब कोई भी लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी का री असेसमेंट किया जाता है, जब कोई पार्टनर फॉर्म में एडमिट लेता है तो लाइबिलिटी को री असेस्ट किया जाता है। और री असेस्ट जो है जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल पेबल्स हो गया, ये जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, या कोई जो है कंटिजेंट लाइबिलिटी भी अराइज हो जाता है। तो जैसे मेरे पास जो है एक क्रेडिटर है जो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जो है 10,000 को 10,000 का है, अगर कोई पार्टनर जैसे सी एडमिट ले रहा है, एडमिशन ले रहा है न्यू पार्टनर, तो उस समय हम जो है फॉर्म्स की लाइबिलिटी री असेस्ट करते हैं। अगर बाय द वे जो है क्रेडिटर अगर जो है 1,000 से पे ऑफ हो जाए, पहले से 4,000 का है और 1,000 से जो है क्या हो जाए, पे ऑफ हो जाए, तो मेरा जो क्रेडिटर है वो 3,000 हो जाएगा, जो अपडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें 3,000 होगा और हम 1,000 पे अप किया, तो जो लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज करता है, जब तो लाइबिलिटी डिक्रीज करता है तो ये इनकम होता है, लाइबिलिटी जब डिक्रीज करे तो इनकम होता है। इसका मतलब फॉर्म जो है प्रीवियस ईयर में इनकम जनरेट किया है, जब इनकम जनरेट करेगा तो स्वाभाविक है लाइबिलिटी को पे अप करेगा, जो मेरे जो फॉर्म्स के ऊपर लाइबिलिटी होगा उसको पे अप करेगा। तो लाइबिलिटी डिक्रीज होता है तो इनकम होता है और इनकम को क्रेडिट साइड में दिखाता है, जैसे आपका नॉमिनल अकाउंट का डेफिनेशन है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो उसको क्रेडिट साइड में क्या कर देंगे, शो कर देंगे। उसी तरह से कोई लाइबिलिटी क्या करता है, इंक्रीज कर जाए तो उसको भी हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज करता है तो एक्सपेंस होता है। सोचिए जैसे मेरे पास जो है बैंक ओवरड्राफ्ट जो 10,000 का है, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी होता है,
अगर कोई अगर सी एडमिट ले रहा है, एडमिशन ले रहा है न्यू पार्टनर्स, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या करेंगे, रीअसेस करेंगे। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 का है और जब सी क्या कर रहा है फॉर्म में एडमिट ले रहा है, और उस समय बैंक ओवरड्राफ्ट जो है 15,000 का हो जाए, 15,000 का हो जाए, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है 5,000 से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और 5,000 से इंक्रीज करेगा तो कोई भी लाइबिलिटी इंक्रीज करता है तो बिजनेस क्या करता है, लोन लेकर लाइबिलिटी लेकर बिजनेस में क्या करता है, फंड्स क्या करता है, बिजनेस में खर्च करता है। और जब खर्च करता है तो एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस को डेबिट साइड में शो करते हैं, तो उसको रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में क्या करेंगे, शो करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है बनाया जाता है जब कोई नया पार्टनर फंड्स में क्या करे, प्रवेश ले, एडमिशन ले, तो इस सिचुएशन में फॉर्म का जो भी असेट्स और लाइबिलिटी होता है, असेट्स को रिवैल्यू किया जाता है और लाइबिलिटी को रीअसेस्ट किया जाता है। जैसे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लॉसेज को दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में इनकम और गेन को दिखाते हैं। जो असेट्स डिक्रीज करेगा उसको रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, जो असेट्स इंक्रीज करेगा उसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, जो लाइबिलिटी डिक्रीज करेगा उसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, और जो लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा उसको रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में शो करते हैं। अब तो जानते ही हैं, जब कोई फॉर्म जो है बिजनेस जो है न्यू पार्टनर जब आता है बिजनेस में, तो फॉर्म की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसका डेवलपमेंट भी होता है, बिजनेस का डेवलपमेंट भी होता है। और कोई भी जब नए पार्टनर जो फॉर्म में प्रवेश लेता है तो अपना अपना सर्विस क्या करता है, रेंडर करता है। न्यू पार्टनर क्या करेगा, सर्विस रेंडर करेगा, और सर्विस जब रेंडर करेगा तो उसके बदले में जानते ही हैं जो एक्टिव पार्टनर होते हैं वो सैलरी और कमीशन क्या करते हैं, गेट करते हैं। तो ये जो है पिछले क्लास में जो है हम बताए भी थे आपको कि जो है पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो एक्टिव पार्टनर होते हैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब दिया जाता है। तो हम जो है अगले वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जितने सारे आपके क्या हैं रूल्स हैं एडमिशन से रिलेटेड, और आपका क्वेश्चंस हैं वो कराएंगे, और आपको जो है एक थ्योरीज बना रहे हैं जो एडमिशन से रिलेटेड है, सारे अकाउंट्स के थ्योरी जो है टॉपिक वाइज क्या करेंगे, हम एक नोट्स के माध्यम से क्या करेंगे आपको सेंड करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम जो मेरा आगामी जो वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है क्वेश्चन से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम आएगा आप क्या करेंगे, मैसेज करेंगे हमको, हम आपको क्या करेंगे उसको कोशिश करेंगे कि हम क्या करें आपको रिप्लाई दे सकें। और मेरा चैनल तो जानते ही है, मेरे चैनल को भी क्या कहिए आप लोग, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, नमस्कार।